सिलीगुडी पिन्टल भिलेजमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङ अनि महासचिव अनित थापाले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै यस्ता मन्तव्य राखेका छन्। हजुर हजुर, हिन्दी ए इङ्ग्लिस हो प्रथमै कि हिन्दी हो। सो वी आर हियर फर द दिस वेरी डिस्प्युटेड एन्ड वेरी क्याप सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2019 एन्ड वी द गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी strongly and vehemently oppose the citizenship bill amendment bill of 2019, and second thing is our party stand, prime stand is to safeguard the interest of jo bhartiya gorkha hai unko cap citizen amendment bill ke purview se bahar rakhe, exemption de hami citizenship amendment bill ko 2019 को घोर विरोध गर्छौँ पार्टीको तर्फबाट। हामी भारतीय गोर्खाहरूको सुरक्षाको निम्ति रक्षाको र गोर्खा जातिलाई सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट बिलको पर्विबाट बाहिर राख्नुपर्छ, यो हाम्रो डिमान्ड हो। एन्ड यस्टरडे वेन दिस बिल वाज टेबल्ड इन लोकसभा बाई अनरेबल होम मिनिस्टर, we are very much surprised that CAP, from our point of view, CAP is only meant for those refugees came from the Afghanistan, Pakistan and Bangladesh. Citizen Amendment Bill 2019, jo sa yo Bangladesh, Afghanistan and Pakistan bata aayeka anupraveshkari refugees lai matrai ho. तर हिजो जुन गृहमन्त्रीको भनाइअनुसार अनुप्रवेशकारीहरू सबै जो आएको छ आसाममा छुटेको छ एनआरसीबाट, उनीहरू सबै बाहिरका हुन् भने, अनि गोर्खाहरू रेफ्युजी होइन, हामी जमिनसँगै आएको, हामी जमिनसँगै आएको गोर्खाहरू, र एज फार एज द गोर्खा इज कन्सर्न कि गोर्खा लोग यहाँ पे जो भी है इन्डियामा वो ट्रिटी के तहत से हम लोग रेफ्युजी नहीं है, पहले से ही हम लोग जमीन से ही आए हैं। और मेरा और पार्टी का हमारा ये स्टैंड है कि एनआरसी इश्यू पे और कैप के इश्यू पे कि पहले से हम लोग डिमांड रखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि गोरखाओं को ओरिजिनल इनहैबिटेंट का जो स्टेटस है वो देना चाहिए। जो अभी तक असम में संताल्स को दिया गया है, आदिवासी को दिया गया है, दूसरा कम्युनिटी को दिया गया है, और अब कैप जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू होने के बाद जो एनआरसी का बात आते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में एनआरसी इंप्लीमेंट करने का जो आगे से ही अमित शाह जी ने एक अनाउंसमेंट दिया था, एंड द ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी यही प्रपोजल है, तो उसके बाद में रेस्ट ऑफ द इंडिया में जब एनआरसी लागू हो जाएगा तब वहाँ का जो भी रेफ्यूजीज है, जैसे कि 19 लाख रेफ्यूजीज देर इन द आसाम और दूसरा स्टेट में भी हो जाएगा, उसके बाद में वो रेफ्यूजीज का जो बांग्लादेश से आया हुआ, जो पाकिस्तान से आया हुआ, जो अफगानिस्तान से आया हुआ, वो रेफ्यूजी को हम लोग चाहते हैं कि हमारा डिमांड है जो मैं अभी अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ, वी स्ट्रांगली डिमांड बिफोर द बोथ द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट ऑफ वेस्ट बेंगाल that the district of Darjeeling, Kalimpong, Jalpaiguri and Alipurduar to be excluded from the rehabilitation of refugees of Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. हम लोग का कहने का ये मतलब है कि नॉर्थ बंगाल का चार डिस्ट्रिक्ट है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट और ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट और अलीपुर डिस्ट्रिक्ट। हम लोग चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि अगर कल एनआरसी लागू करके सिटीजन अमेंडमेंट बिल के तहत एनआरसी लागू करके यहाँ पे रेफ्यूजी का एक बना दिया, तो हम लोग चाहते कि ये चार डिस्ट्रिक्ट में वो बांग्लादेश से आया हुआ, पाकिस्तान से आया हुआ, अफगानिस्तान से आया हुआ रेफ्यूजी को यहाँ पे रिहैबिलिटेट न करें, ये हमारा डिमांड है। और जहाँ पर इनर लाइन परमिट है, जैसा कि मणिपुर में इनर लाइन परमिट है, सिक्किम में था और दार्जिलिंग में भी था, जब पहले कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट नहीं था, इनर लाइन परमिट था, तो इनर लाइन परमिट अभी
और कालिम्पोंग में नहीं है, अभी कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट दूसरा हो गया, तभी भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि सेंट्रल को और स्टेट गवर्नमेंट को कि ये इनर लाइन परमिट जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में था वो फिर लागू होना चाहिए, फिर लागू होना चाहिए दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में एंड इंक्लूडिंग सिक्किम में भी इनर लाइन परमिट होना चाहिए। ये पहले था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको हटा दिया है, फिर हम लोग चाहते कि रीवैलिडेशन करें ये इनर लाइन परमिट पे और री इंट्रोड्यूस करें, री इम्प्लीमेंटेशन करें, ये हमारा डिमांड है। एंड कल जो लोकसभा में जो बहस हो गया इसके दौरान कांग्रेस का जो एमपी था आसाम से गौरव गोगोई, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू ऑनरेबल एमपी ऑफ आसाम श्री गौरव गोगोई एंड एज वेल एज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री ममता बनर्जी के गौरव गोगोई ने वो पार्लियामेंट में गोरखाओं को रेफ्यूजी जब कहा गया तो उन्होंने विरोध किया था, उनका 5 मिनट 33 सेकेंड का जो वीडियो था उसमें उन्होंने कि गोरखा भारत का इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल थ्रेट से वो लड़ते रहे हैं लेकिन उन लोगों को रेफ्यूजी कहा गया, इसमें उन्होंने विरोध किया था। एट द सेम टाइम यस्टरडे ऑनरेबल सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल मिस ममता बनर्जी एड्रेस्ड द गैदरिंग इन खड़गपुर, खड़गपुर में कल किया था, उन्होंने गोरखाओं का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो बात पहले से ही उन्होंने कह दिया था 3 बार ऑफिशियली और 2 बार इलेक्शन के दौरान, कल इसको फिर उन्होंने कहा कि गोरखाओं के लिए हम लोग हैं कि हम लोग फाइट करेंगे उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, ये कल खड़गपुर में उन्होंने ऑनरेबल सीएम ने कहा किया है, इसलिए ऑनरेबल सीएम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को हम लोग धन्यवाद देते हैं।